अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन मिस्टर शर आपके साथ हाथ रहे। आज हम आए हैं नेस्ला एवरीडे की जो चलती फिरती गाड़ी है, जो कि आपको आपके शहर शक्कर में चाय पिलाती है। और चाय कोई गैस पे नहीं बनती, लेकिन चाइना की जो लकड़ियां हैं उस पे बनती हैं। तो आप लोग देखें इस जो नेस्ला एवरीडे की जो तुम में कुछ है कुछ खास, यानी कि यह ऐसा ढाबा है जो जलता फिरता ढाबा है, जो कि आप जहाँ पे भी होंगे आपको चाय पिलाई जाएगी। आप अपनी दुकान में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप थके हुए हैं तो आप एवरीडे की चाय पी सकते हैं। यह एवरीडे जो है वो आपको सब लोगों को पता है कि एक बड़ी ब्रांड है दूध की, जो नेस्ले कंपनी का है। तो ये आप लोग देखें इसमें डालते क्या हैं, यानी आग को तेज़ करने के लिए चाइना की जो लकड़ियां हैं जो छोटी छोटी, वो उसमें डालते हैं। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मिस्टर शर, और आपको मैं इस तरह की मुनफरद और दिलचस्प वीडियोस दिखाता रहता हूं। और आप जो मेरे व्यूअर्स हो, जो मुझे देखते रहते हो, आप दोस्तों को गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल मिस्टर शर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मशवरा दें कि वो भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। ये देखें एवरीडे का ढाबा, चलता फिरता ढाबा, वो भी चंकी वाला। ये देख लें इनके चूल्हे पड़े हुए हैं, वो नीचे जो है छोटी छोटी जो चाइना वाली लकड़ियां हैं वो पड़ी हुई हैं। लकड़ी जो छोटी नंडी नंडी खार बाट रहे लकड़ी काटियों। तो आपको दिखा रहे हैं हम आपके अपने शहर शक्कर में जो एवरीडे का ढाबा है, वो भी चलता फिरता चिंची ढाबा। आप जहाँ भी होंगे आपको इनके तवसल से चाय मिलेगी। अपनी शॉप पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप कहीं भी हैं तो आपको चाय मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी जो लकड़ियाँ जो डालते हैं चाइना की लकड़ियाँ चाय बनाने के लिए, ये देखें। और ये चाय की चाय बनती है, ये इनका जो चूल्हा है इसमें डलती है इस तरह, और उसके बाद डलने के बाद जो है ना आपको जायकादार चाय मिलती है, वो भी एवरीडे की। तो मिस्टर शर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।